तो हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। और मैं आपको बता दूँ कि आज आप लोगों ने थंबनेल देख के, जैसे कि मेरे वीडियो पे आया होगा, तो मैं बता दूँ आप सब कि आज आया है कैनन D3000 और इसके रिव्यू मैं आपको दूंगा और अनबॉक्सिंग भी करूँगा। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR Indian Vlogs में और मैं हूँ आपके साथ राज। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा उसका रिव्यू और उसके कैमरे के बारे में। 3000D कैनन का और इसकी अनबॉक्सिंग पहले से हो चुकी है, लेकिन फिर से हम करेंगे दोबारा। क्या ये लास्ट है? इसका बैंड है। और अंदर कैमरा दिखाता हूँ मैं आपको भी। कौन सी लेंस लेंस कौन सा है? 18-55 देखिए, तो लेंस हमारा है 18% लेंस के साथ में है कैमरा। ये 18% का लेंस है। इधर में पता है कैमरा चलाता हूँ। ये कैमरा कैनन D3000 लेंस। अब मैं इस लेंस को कैमरे में सेट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा दिख रहा है ये। अरे ऐसा नहीं, बीच वाला बटन दबा 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 नहीं, ये भी तो उसके लिए है ना। भाई इसमें बैटरी कहाँ लगा रहा है? चार्जर है बताओ। मेमोरी ये नहीं दिया क्या? इसके अंदर मेमोरी लगाने वाला नहीं दिया था? नहीं, मेमोरी कार्ड नहीं आया। अब हो गया चालू, बैटरी लो। अब जो है मेरा कैमरा रेडी हो चुका है, लेंस लगा के बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं इस कैमरे से 2-3 फोटो क्लिक करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैमरे से फोटो कैसी आती है। अब मैं इस कैमरे से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हो कि वीडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसकी वीडियो की फ़ोटो की क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग इस कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो अपने बजट के हिसाब से सिर्फ 26,000 रुपये में इस कैमरे को आप लोग परचेज कर सकते हैं। और मैंने ये तो फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, तो आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगवाएंगे तो 26,000 पड़ेगा। इसका जो लेंस है आप लोग 18-55 तक का है और ऑटो फोकस भी बहुत अच्छा है और लेंस की क्वालिटी भी अच्छी है। और ये जो है उसमें आप लोग चाहें तो अलग से और ज़्यादा लाइट को चाहते तो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और इसका रेट जो होगा लमसम
500 या 600 ग्राम के आसपास है इस कैमरे का वेट। एग्जैक्टली वेट तो मैं नहीं जानता, तो मुझे लगता है 500 या 600 ग्राम का होगा। इसका ऑटो फोकस के बारे में आपको मैं इसको बता दूँ, तो इसके ऑटो फोकस जो है नो एंगल से मिलते हैं, और इस पर एक और चीज़ है आप लोग यहाँ पे आप लोग चाहे तो लैपटॉप का डाटा केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और ये माइक के लिए, माइक आप लोग अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ोन एक तरह से बता दूँ आप लोग, कैमरा बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, फोटो मामले वीडियो मामले में। और क्या बताऊँ इसके बारे में, लेंस के बारे में बता दूँ तो आपको, लेंस के बारे में तो अभी लेंस अगर आप लोग और अलग से अगर कुछ लेंस चाहते हैं तो आप लोग 55-250 लेंस ले सकते हैं, या फिर 55-140 ले सकते हो लेंस। 55-140 के लेने में आपको ये फ़ायदा होगा कि जूम का भी और पास कर दूँ, वीडियो बना सकते हो, और 250 लेने में होगा कि आप लोग जूम की वीडियो का शूट कर सकते हो। और 18-55 लेंस में होता है कि कैमरे की आगे की जानकारी मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। ये हो गया हमारा कैमरा स्टार्ट। कैमरा में फ़ोटो क्लिक करने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्पोर्ट्स मोड, फूड मोड। आपको जैसा फ़ोटो लेनी है वैसे ले सकते हो। अब मान लो आपको पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो लेनी है, यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करो और ये आपका पोर्ट्रेट मोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप चाहे तो फ़ोटो इसमें ले सकते हो जैसी लेनी है आपको, लेकिन फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको 55-250 का लेंस लेना पड़ेगा। अब उसके बाद ये है वीडियो का ऑप्शन, इसमें अब यहाँ जाओ, ये हमारा होता है स्टेबलाइजर। इससे क्या है कि क्वालिटी हिलेगी नहीं फ़ोटो बिल्कुल भी। AF मोड, MF मोड, इन दोनों को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले फ्लिप नहीं है, इसकी डिस्प्ले इसके अंदर ही सेट आती है। हम चाहें तो इसकी डिस्प्ले को ऐसे बाहर निकाल के इधर उधर नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को अगर कुछ भी करना होगा इसके अंदर ही करना पड़ेगा। इसकी फोटो कितने एमबी में सेट होती है, एक फोटो कितने एमबी में शूट होती है? एक फोटो कम से कम इसकी 7 MB में शूट होगी। और इसमें SD कार्ड कितने लगता है, कितने GB का? 16 GB सपोर्टर है क्या? 16 GB का सपोर्टर, इसमें कार्ड लगाने का, बैटरी लगाने का, और वाईफाई ब्लूटूथ है। हाँ, इसमें वाईफाई भी है, ब्लूटूथ भी है। और बैटरी बैकअप इसकी कैसी है? बैटरी बैकअप इसमें 600 फोटो शूट हो सकती है एक बार में। अच्छा, 9 फोकस सिस्टम है इसमें। नाइट मोड किसका है? इसका नाइट मोड कैसा है इसका? नाइट मोड तो अच्छा है, हम आपको रिव्यू में दिखा देंगे जो भी दिखाना होगा। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, और यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यार इस कैमरे के बारे में मैंने आपको रिव्यू बताया और बताया कैमरे के बारे में, अभी नया नया कैमरा लिया हमारे भैया ने, तो उसके बारे में आपको कुछ बताया, और मैं आपको बताऊँगा कि आगे कैसा इसका सिस्टम, और बीच में इसके वीडियो भी डालूँगा कुछ खास वीडियो फोटो डालूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय।